मृत्यु से बचने के लिए क्या किया जाए? मृत्यु तो सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या किया जाए? बार बार मृत्यु ना आए उसके लिए क्या किया जाए? शरीर छूटेगा, लेकिन बार बार इस कष्ट से कैसे बच लिया जाए? ये प्रश्न परीक्षित कर रहे हैं। भगवान ने कहा भागवत सुने बंधुओं, क्या सप्ताह भागवत सुनने से मृत्यु छूट सकती है? साप्ताहिक कथा सुनने के बाद क्या मुक्ति हो जाएगी? सप्ताह कथा सुन लेने से क्या हम पाप से बच जाएंगे? एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। सुखदेव जी ने कह दिया, जिसकी मृत्यु निश्चित हो वह व्यक्ति को भागवत सुनना चाहिए। तात्पर्य, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। मृत्यु से बचना असंभव। दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं जो मृत्यु से बचा दे। यहां तक कि समुद्र मंथन से निकला अमृत भी देवताओं को अमर तो किया, लेकिन अमरता की भी एक आयु सीमा है। सदैव देवता अमर नहीं हुए। अलग अलग कल्पों पर, अलग अलग समयों पर इंद्र की गद्दी अलग अलग इंद्रों को दी गई। एक ही इंद्र हमेशा नहीं रहे, एक ही देव सदैव नहीं रहे। अलग अलग कल्प भेद पर अलग अलग, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा जब अभी रचना करेंगे सृष्टि की, तो उन्होंने देह त्यागा। एक देह से असुर बन गए, किसी देह से किन्नर उत्पत्ति हुई, किसी देह से अब उन्होंने अलग अलग प्रकार की सृष्टि बनाई। राक्षसों को भूख लगी, ब्रह्मा जी को खाने दौड़े, तो ब्रह्मा जी ने नूतन देह धारण किया, ऐसा वर्णन है। स्वयं पितामह ब्रह्मा भी देह परिवर्तित करते हैं, और ब्रह्मा भी 100 वर्ष तक जीवेम सर्वः सतम, यजुर्वेद ऐसा कहता है। जीव की आयु 100 साल बताई। अलग अलग कल्पों को जोड़ने के बाद ब्रह्मा जी की भी एक सीमित आयु बन गई। इसलिए संसार में अमरता का कोई साधन नहीं है, हम अमर नहीं हो सकते। कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, कितनी औषधियों का उपाय कर लें, आदमी आत्म संतोष के लिए करता है। बीमार हो जाए तो दवाई ले ली, वृद्धावस्था आ जाए तो बचने के लिए कुछ भी कर लो, अटैक पड़ जाए तो स्टेंट लगवा लो, लेकिन कब तक? क्या मृत्यु नहीं आएगी? बड़ा विचार का विषय है। लेकिन यदि मृत्यु आनी तय है, हमें यह पता है, तो फिर उससे बचने के लिए हमने क्या किया? दवाई खाई, औषधि खाया, मॉर्निंग वॉक किया, आसन किया, प्राणायाम योगाभ्यास किया, तो क्या मृत्यु बचेगी? नहीं। स्वस्थ होने का उपाय है, मृत्यु से बचने का उपाय भागवत ही है। जन्म नहीं होगा, जन्म हुआ तो मृत्यु साथ चली, सुख हुआ तो दुख साथ चला, भूख लगी तो भोजन आया। आवश्यकता ही वस्तु की जननी है, इसलिए जन्म की कामना मृत्यु की जननी। जन्म से बच जाना ही मृत्यु से बचने का उपाय है, और जन्म ना हो उसके लिए परीक्षित कह रहे हैं। तो जन्म ना हो उसके लिए साप्ताह भागवत सुना जाए, उसके लिए भगवत अनुष्ठान हो। जन्म ही हम ना लें, उसके लिए कथा सुनी जाए।